अस्सलाम, मेरा नाम उमर अस्मानी है और मैं द हार्ले डिस्ट्रिक्ट कराची में एज ए सेल्स मैनेजर जॉब करता हूं। और आज मैं आपके लिए ebike.pk के ताउन से जिस बाइक का इंट्रोडक्शन देने आया हूं, इस बाइक को अगर हार्ले डेविडसन की टॉप बाइक्स में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे आगे पहले इस बाइक का नाम आपको बताते चलूँ, इस बाइक का नाम है रोड ग्लाइड, हार्ले डेविडसन रोड ग्लाइड। और जिस बाइक के साथ मैं ऐसा खड़ा हूँ ये है 2017 का मॉडल है और बिल्कुल ही फ्रेश इम्पोर्ट है। और 2017 से हार्ले डेविडसन के अंदर एक और नया रेवोल्यूशन आया है जिसके अंदर इसका इंजन बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत पावरफुल बना दिया गया है। और इस इंजन को नाम दिया गया है मिलवॉकी 8। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टूरिंग बाइक है तो उसी हिसाब से इसको फिर डिज़ाइन किया गया है। और टूरिंग बाइक्स में भी सबसे टॉप ऑफ द लाइन बाइक है तो इसका फिर जाहिर सी बात है शेप और उसकी यूटिलिटी उसी तरह से बनाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फ्रंट अगर हम किसी शार्क से मुशाबे दें तो गलत नहीं होगा। बड़ा सा डैशबोर्ड है जो कि इसके पूरी चेसिस के ऊपर माउंट हुआ है। इसका हैंडल इसके चेसिस इसकी फेयरिंग से अलग होता है। इट मीन्स कि जब आप हैंडल घुमाते हैं तो कोई वजन इसके हैंडल के ऊपर नहीं, सारा जो इसकी बॉडी है, जो सारा इसका डैशबोर्ड है, वो इसके चेसिस के ऊपर अलाइन हुआ हुआ है। दूसरा, इसके अंदर सामने ये विंड वेंटिलेटर होता है कि जब आप बहुत तेज़ सामने से हवा चल रही होती है तो आप इस विंड को खोल के बंद करके एयर एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिससे बफटिंग नहीं होती, बाइक आपकी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। दो वेंट इसके सामने यहाँ लाइट के अंदर से भी हैं जो इसी तरह से काम कर रहे होते हैं कि जब आपके पास सामने से बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर आ रहा होता है आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि एक वक्त में कोई एक वेंट खोल लें, एक वक्त में कोई एक वेंट खोल लें। इसकी हम हेडलाइट की बात करें तो इससे ज़्यादा तेज़ हेडलाइट मैंने अभी तक नहीं देखी किसी भी हार्ले डेविडसन की बाइक के अंदर। वही 2018 में 2017 में जो लाइट्स आई हैं उनको डे मेकर कहा जाता है और बिल्कुल ये वाइट लाइट होती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आगे दो डिस्क ब्रेक्स हैं जो कि 4 पिस्टन्स हैं, हर एक कैलिपर के अंदर 2 पिस्टन्स होते हैं जो कि बेहतरीन है किसी भी बाइक के लिए, हाई स्पीड बाइक के लिए। पीछे जैसे बात करूँ तो एक बड़ी डिस्क है, 11.5 इंच की बड़ी डिस्क होती है जो कि एक पूरे टायर को कंट्रोल कर रही होती है। साथ ही वही टूरिंग बाइक के लिए जो बैग्स आपको दिए जाते हैं कि आपके लिए एसेंशियल है। इसके अलावा इसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि इसके अंदर पीछे ब्रैकेट्स होते हैं, आप अपना टूरिंग बैग सिर्फ हैंडी तौर पर ला के लगा सकते हैं और वैसे ही निकाल सकते हैं। बैकरेस्ट इसके अंदर होता है, हैंडल बार के 10,000 ऑप्शंस हैं, बहुत सारे किस्मों के हैंडल बार आते हैं, आप कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने हैंडल बार चेंज कर सकते हैं। और ये तमाम कस्टमाइजेशन हार्ले डिस्ट्रिक्ट कराची के ऊपर अवेलेबल होती है। आप जब बाइक लें, जब बाइक आप लेना चाहें, बाइक लेने के साथ कस्टमाइजेशन करवाना चाहें, ईच एंड एवरीथिंग एवरी पार्ट अवेलेबल एट द हार्ले डिस्ट्रिक्ट। और हर चीज़ हमारे पास जो आती है वो डीलरशिप के थ्रू आती है, उसमें कोई ये नहीं होता कि पार्ट्स आपका जो आफ्टर मार्केट हो तो कोई सही ना हो, ख़राब हो, ऐसा कोई चीज़ इसके अंदर नहीं होती। हर चीज़ अथोराइज डीलर से हमारे पास हार्ले डेविडसन की आती है। इस बाइक के फर्दर डिटेल रिव्यू के लिए आप ebike.pk को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।